नमस्कार, आप देख रहे हैं FM 24 भिवाड़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आरजी तालीम और हमारे साथ हैं वास्तु सलाहकार शशांक कौशिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद तालीम जी, और मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके FM के माध्यम से। जिस प्रकार से वास्तु के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। सर, वास्तु के हिसाब से जो बिल्डर्स हैं या जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, बहुत बड़ा कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो वो प्लॉट या जमीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें जिससे जो जमीन है, जो प्लॉट है, वो उनके लिए अच्छा साबित हो। बहुत अच्छी बात आपने बोली है तालीम जी। और देखिए, जब आप अपनी पूरी जमा पूंजी एक प्लॉट को खरीदने के लिए लगाते हैं, तो आप जानते हैं तालीम जी कि हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं वो ये होती है कि जिस भी प्लॉट को हम लें वो हमारे लिए शुभ हो, हमारे उसमें काम धंधा जो हमारा चल रहा है वो भी अच्छा चले जाए, हमने बाहर खोल रखा है, साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे यहाँ वंश वृद्धि हो और हर तरीके से हम प्रसन्न हो। इसलिए जब भी हम प्लॉट खरीदते हैं तो ये अपेक्षाएं हमारे अंदर होती है। कुछ बातें जो सामान्य है किसी को भी प्लॉट को खरीदते समय, कि जब हम किसी प्लॉट को खरीदते हैं तो उसका भूमि पूजन अच्छी तरह होना चाहिए, जिस दिन हम रजिस्ट्री कराएं वो भी एक मुहूर्त में ही होनी चाहिए, साथ ही साथ पूरी विधि विधान के साथ आपको करनी चाहिए, पूरा समय लेना चाहिए, वास्तु प्रवेश के लिए जो भी नियम होते हैं उन सबका पालन करते ही हमें विधि विधान के साथ हवन करना चाहिए। ये तो वो प्राथमिक चीजें हैं कि जब आप कोई भी प्लॉट लेते हैं और उसको लेने के बाद आपको कार्य करना है। लेकिन जब आप प्लॉट को खरीदने जाते हैं, या आप समझिए बड़े बिल्डर हैं और आपको बड़ी सारी जमीन लेनी है, तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ना सिर्फ आप बिल्डर से बड़े बिल्डर बन जाएंगे, अगर आपने प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो वो आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ देगा, और अगर आपने उस पर मकान बनाना है तो आपके लिए वहां पर भी बहुत ज्यादा लाभकारक सिद्ध होगा। पहली बात, अगर आप कोई भी जमीन ले रहे हैं, कोई भी प्लॉट अगर आप ले रहे हैं, तो वो सुनसान जगह पर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बाद कोई रास्ता बंद हो गया है, चारों तरफ उसके कोई आबादी नहीं है, सुनसान एरिया है, आसपास भी कुछ प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं होता है। ये दूसरा, अगर आपने कोई भी जमीन ली है और उसके आसपास कोई फैक्ट्री है, बड़ा कारखाना है, तो आपको उस जगह पर प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो भी आपके लिए, वास्तु के हिसाब के लिए भी बड़ा ही असामान्य होता है, मतलब गड़बड़ सिद्ध करने वाला होता है। तीसरा, आप जो भी प्लॉट लेते हैं उस प्लॉट के पास में अगर आपको लगता है कि कोई शमशान की भूमि है या उससे पहले कोई शमशान भूमि रह चुकी है, तो आपको उस प्लॉट को या उस जमीन को अवॉइड कर देना चाहिए। चौथी बात, आपको बड़ी अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, बड़ी जमीन ले रहे हैं, आप उसकी थोड़ी सी खुदाई करके देखें। अगर खुदाई के दौरान आपको कुछ फटे हुए कपड़े उसमें मिलते हैं, या कोई लोहे का टुकड़ा मिल जाता है, या फिर आपको कुछ हड्डियां मिल जाती हैं, तो आपको उस प्लॉट को अवॉइड करना चाहिए। अब उसका तरीका क्या है कि आप अगर कोई बड़ा प्लॉट ले रहे हैं, तो बड़ी जमीन ले रहे हैं, तो फिर 3-4-5 जगह पर आपको उस तरह खुदाई करनी चाहिए। और इस तरह की चीज अगर आपको सामान्य तौर पे मिल रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो जमीन आप ना लें, ये सबसे बड़ी बात है। इसके बाद अगर आपकी जो भी आप जमीन ले रहे हैं उसके अगर दक्षिण की दिशा में या पश्चिम की दिशा में कोई बहुत बड़ा नाला जा रहा है या कोई नदी का बहाव है, तब भी आपको उस जमीन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये जब आप जगह लेते हैं तो उससे पहले आप खोद के चेक करें कि वहां पे कुछ इस तरीके की वस्तु तो नहीं है, जैसे फटे हुए कपड़े उसमें मिल गए, कोई लोहे के टुकड़े मिले हुए, ईंट के आपको टुकड़े मिल रहे हैं जो पुराने हैं, ठीक है, साथ में अगर आपको कोई हड्डी मिल गई है। अब चूंकि कोई जगह पर ऐसा हो सकता है, पर्टिकुलर जगह पर, विशेष स्थान पर, लेकिन आपको जगह जगह पर फिर बड़े प्लॉट में खोदना है गड्ढा। अगर आपको सामान्य तौर पर ये चीजें मिल रही हैं, तो आपको उस प्लॉट को या बड़ी जमीन को लेते समय आपको इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जब भी, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में कोई नदी का बहाव है या कोई बड़ा नाला बह रहा है, चाहे वो साफ सुथरा ही क्यों ना हो, तब भी आपको उस जमीन को लेते समय बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से आपको इस चीज के विषय में पूछना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक कौशिक जी। लेकिन हर दिन हम आपसे कुछ ना कुछ नई जानकारी लेते हैं, जैसे कि आज आपने बताया कि प्लॉट लेते समय किन बातों का ध्यान रखें वास्तु के हिसाब से। मैं चाहूँगा कि आप वास्तु के कुछ टिप्स बताएं, हर रोज की तरह जैसे आप बताते हैं हमारे साथ में। जी देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रयोग बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत
उलझन में होते हैं, आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा होता है, बड़े परेशानी के भाव में होते हैं, आपको अद्भुत उपाय बता रहा हूँ, अचूक उपाय, आपको क्या करना है, पिंच भर के हल्दी लेनी है अपनी दोनों इस तरह से करके, और पिंच भर के हल्दी लें और उसको आप एक कागज में रख लें, रात को सोते समय अपने तकिए के दोनों कोनों की तरफ नीचे दबा के सो जाएं। आप जिस भी प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हैं, जो आपके मन में उलझन है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप देखेगा कि सुबह आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और फिर उस हल्दी को आप किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। अद्भुत उपाय, रोचक उपाय, इसको जरूर करिएगा, इसमें समय और पैसा दोनों ही नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक कौशिक जी, और आप लोग देखते रहिए FM 24 भिवाड़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।